आ रही है साउंड? आ रही है? अरे कैमरामैन को बता रहा हूँ ना, एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड रुको। हाँ मोहसिन आ रही है? हेलो सबसे पहले तो ये जानना चाहेंगे कि ये दिवाली का रंग है जो आपने आउटफिट पहना है, इतनी खूबसूरत लग रही है और ये अजा से है तो मेरी स्टाइलिस्ट ने ही चुन ली है। एक्चुअली ऑल द क्रेडिट गोज़ टू हर। मैं बहुत कैजुअल लेड बैक हूँ, मैं इतनी फेस्टिव नहीं हूँ, लेकिन मेरी सबसे पसंद रंग गुलाबी है, सो दैट्स व्हाई शी इज़ गिविंग मी अ नाइस पिंक आउटफिट टू वेयर। सो थैंक यू अजा फॉर दिस गॉर्जियस दिवाली आउटफिट। सो हाउ आर यू गोइंग टू सेलिब्रेट दिवाली? एक्चुअली मैं हर साल मेरे परिवार के साथ मेरे फार्म हाउस खंडारा में जाती हूँ और हम वहाँ पत्ते खेलते हैं, हम बात करते हैं, क्योंकि आई हैव अ लॉट ऑफ रिलेटिव्स दैट लिव इन अमेरिका, लिव इन इंग्लैंड, सम लिव इन अंधेरी हियर, और मैं टाउनी हूँ। तो वी एक्चुअली डोंट गेट टू मीट, बट दिस इज़ द वन टाइम ऑफ द ईयर वेयर वी ऑल कम टुगेदर और बहुत खुशी से दिवाली मनाते हैं। दिवाली की कोई एक ऐसी खास बात जो आपको बहुत याद है या ऐसी कोई एक स्पेशल चीज़ बहुत एक्साइटेड हूँ, मैं एक बहुत बड़ी सलमान खान फैन हूँ, सो आई कांट वेट टू सी प्रेम रतन। I'm finishing my third Bollywood film and I'm gonna make my Telugu debut as well. So it's gonna be very exciting. My Bollywood film is called Ticket to Bollywood. तो अभी December में second schedule, आखिरी schedule खत्म कर रहे हैं और the Telugu one starts now end November. So yeah. बहुत बहुत मज़ेदार था क्योंकि हम एक महीने के लिए लंदन में थे तो बहुत मज़ा आया। मेरे परिवार, मेरे मामा लंदन में रहता है तो मैं वहाँ जाती थी और फिर शूट के लिए आती थी, तो यू नो इट वाज मोर फन देन वर्क। अरे कुछ बचपन की दिवाली याद है? आप काफी बड़ी हो गई हैं और फिर मैं पटाखे से बहुत डरती हूँ क्योंकि बचपन में मैं थोड़ी जल गई रॉकेट से व्हाइल आई वाज लाइक लाइटिंग वन ऑफ दोज बिग रॉकेट्स, तो मैं बहुत बहुत डरती हूँ अभी पटाखे से। हाँ पर नहीं, इट्स ओके। हाँ रॉकेट गया लेकिन मुझे लगा तो वो मैं नहीं भूल सकती। कुछ बनाती है खाने पीने के लिए? कुछ दिवाली में मिठाइयाँ बनती हैं? मैं इस साल अभी अंडा पका सकती हूँ। दिवाली है तो, लेकिन मेरे फोन पे सारे रेस्टोरेंट के नंबर्स है तो अगर खाना चाहिए मैं डायल कर सकती हूँ। दिवाली पे आपकी फेवरेट मिठाई कौन सी है? काजू कतली। I love काजू कतली, that's my favorite. बना लेते हैं। मैं अभी बोली कि सिर्फ अंडा पका सकती हूँ। सिर्फ अंडा बस? हाँ और अभी। ओके अच्छा दिवाली है तो कुछ एक ऐसी स्पेशल विश जो आप मांगना चाहें या कुछ तरह कुछ। You have made your debut in Bollywood, you have started your career. Yeah. But what next? कुछ ऐसी कोई ज़हन में कोई एक बात you wanted to share? दिवाली का मौका है, if you want to share something with us, please. Actually, I have one wish for all the viewers. My only thing is, because I'm a big animal lover, is to please be careful of where you're bursting firecrackers. क्योंकि दिवाली है तो मैं जानती हूँ कि हाँ पटाखे अभी जलाएंगे, लेकिन you know थोड़ा ध्यान रख के करो, because we do have animals around and it's not just our world. Like there are a lot of like things in it. So just you know have a safe Diwali. बहुत बहुत बिजी है, आई डोंट लाइक बीइंग सो बिजी। मुझे मैं ट्रैवल करती हूँ, लाइक मैं पिछले हफ्ते गोवा में थी। आई लव टू ट्रैवल, आई जस्ट लव टू बी अलोन एंड चिल एंड दैट्स माई काइंड ऑफ लाइफ, यू नो व्हाट आई मीन। मैं इतना वर्क ओरिएंटेड नहीं हूँ, मुझे जिंदगी से मज़ा लूटना चाहती हूँ। अगर हमारा म्यूजिक की बात करें तो रिसेंटली शायद आपने सोनू निगम जी के साथ भी कोई एल्बम किया, थोड़ा सा बताइए उसके बारे में। उसका पहले सिंगल है 14 साल के बाद टी सीरीज के साथ एंड द नेम ऑफ द सॉन्ग इज आ भी जा।
तो 3 दिन में 1 मिलियन व्यूज़ है और हम अभी प्रमोट करने वाले हैं, तो वो भी बहुत मज़ेदार था. अनुभव सिन्हा जी ने डायरेक्ट किया एंड इट्स बेसिकली अ लव स्टोरी, इट्स अबाउट लव, लॉस एंड होप. तो इसलिए ये शायद दिवाली के लिए ही ये गाना बना चुका है, क्योंकि यू नो आशा देते हैं, आशा देता है लोग को. क्योंकि उनकी आवाज इतनी अच्छी है तो मैं पूरे गाना को बर्बाद कर सकती हूँ तो नहीं. कब तक देखने को मिलेगा ये सॉन्ग? अभी रिलीज हो चुका है. बहुत बहुत अच्छा था. ही इज़ वन ऑफ द मोस्ट हम्बल पीपल यू विल एवर मीट, यू नो, एंड ही इज़ सो काइंड. एंड आई एक्चुअली मेड हिम डू अ डब स्मैश, तो मैं उनके गाना चुन ली एंड ही वाज़ एक्चुअली स्टैंडिंग बिहाइंड मी व्हाइल डूइंग द डब स्मैश, सो इट्स ऑन इंस्टाग्राम एंड ऑल. बहुत मज़ेदार आदमी है, ही इज़ सो मच फन टू वर्क विथ एंड आई होप ही मेक्स मोर सिंगल्स प्लीज. ओके, हमारे कुछ पटाखों के नाम याद है आपको? कुछ बचपन में फिर वो स्नेक्स जो थे ना सांप, वो थे. और वो तो बिग रॉकेट्स कॉल, नहीं नहीं, जो लाइक 5-6 बार रस्सी बॉम्ब. हाँ रस्सी बॉम्ब, आई हेट दोस, मैं नफरत करती हूँ उनसे. नाम बता रहा हूँ आपको, बॉलीवुड से कुछ एक्टर्स के नाम बता, तो आप उनको किस पटाखे का नाम लेना चाहेंगे? सलमान खान वो सबसे बड़ा पटाखा है यार, वो तो एटम बम ही है. शाहरुख किंग खान के लिए क्या पटाखा? आई डोंट नो, लाइक सारे खान को सिर्फ लाइक द बॉम्ब, दैट्स इट. रणबीर कपूर आई वुड से या रॉकेट. थैंक यू. ओके, विश ऑल. एनीथिंग एल्स यू वांट टू शेयर विद ऑल द व्यूअर्स रिलेटेड टू दिवाली? एनीथिंग? जस्ट हैव अ फन सेफ दिवाली गाइस, आई मीन, एंड एंजॉय इट विद योर फैमिली. फॉर मी दिवाली इज ऑल अबाउट फैमिली, सो आई थिंक यू शुड एंजॉय इट विद योर फैमिली. विशेस फॉर एवरीवन. अ वेरी हैप्पी दिवाली टू यू गाइस एंड वेट फॉर माय मूवी. सुपर, थैंक यू. थैंक यू. दिनेश देखो फ्रेम में लू ले लेता हूँ पार्टी 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 Hold my man. One.